वैसे तो दुनिया में कई पुल हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में मदद करते हैं, लेकिन दुनिया में कुछ ब्रिज ऐसे हैं जिनकी बनावट कुछ खास है। यही वजह है कि लोग इन अनोखे ब्रिज पर ड्राइव करने का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। इसी के चलते आज हम आपको कुछ मजेदार ब्रिज की सैर कराएंगे। एसिमा ओहाशी ब्रिज, जापान। ये जापान का ऐसा ब्रिज है जो हूबहू एक रोलर कोस्टर ब्रिज की तरह है। इसका निर्माण काल 1997 से 2004 तक है। ये जापान का सबसे बड़ा रिजिड फ्रेम ब्रिज है, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पुल है। इसकी लंबाई 1700 मीटर है, जबकि चौड़ाई 11 मीटर। ये दुनिया के शानदार ब्रिज में से एक है। इस पुल की ढलान नुमा बनावट को देखकर ही आपके होश उड़ जाएंगे। इस खतरनाक पुल पर ड्राइव करते समय आपको अजीब सा अनुभव होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप अब गिरे, कब गिरे। यहाँ आपको ठीक वैसा ही अनुभव होगा जैसा कि किसी वाटर पार्क में राइड लेते वक्त होता है। इस खतरनाक ब्रिज को हाई स्पीन पर बनाया गया है। यहाँ गाड़ी ड्राइव करते समय अक्सर लोगों को उल्टी, चक्कर आने की समस्या होने लगती है। अगर आप थ्रिलिंग कार राइडिंग का शौक रखते हैं तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। शांजियाजी ग्लास ब्रिज, चाइना। आपने सीमेंट और पत्थर के कई पुल देखे होंगे, लेकिन कभी आपने ऐसा ब्रिज देखा है जो पारदर्शी शीशे का बना हो। दरअसल चीन में एक ऐसा अनोखा ब्रिज है जो ग्लास से बना है। ये ब्रिज शांजियाजी में स्थित है। टूरिस्ट इस ट्रांसपेरेंट ग्लास वाले ब्रिज को देखने के लिए देश विदेश से आते हैं। जब इस ब्रिज को खोला गया तो ये दुनिया का सबसे लंबा और सबसे ऊंचा कांच का पुल निकला। ये एक सस्पेंशन ब्रिज है, यानी एक झूलनुमा पुल। इसकी लंबाई 430 मीटर है, जबकि ऊंचाई 360 मीटर। ये एक ग्रैंड कैनियन ग्लास ब्रिज है जिसका ब्लू क्लियरेंस 300 मीटर है। इसे स्काई वॉक ब्रिज भी कहते हैं। ये ब्रिज मेटल फ्रेम से बना है जिसमें 120 से ज्यादा ग्लास पैनल लगे हैं। यहाँ 935 फुट की बंजी जंप करने का भी ऑप्शन है, जिसे दुनिया में सबसे ऊंची छलांग माना जाता है। इस पुल पर एक बार में 800 विजिटर्स आ जा सकते हैं। इस पुल को इजरायली आर्किटेक्ट हेम डूटान ने डिजाइन किया है। ये पूरी तरह से कांच का बना है। इसमें कुछ प्रेशर सेंसिटिव ग्लास है जिस पर चलते समय ऐसा लगता है कि कांच टूट रहा है। चलने वालों को टूटने की आवाज तक सुनाई देती है। इसका क्रैकिंग इफेक्ट बेहद रोमांचक है। जब इस हैरतअंगेज पुल को खोला गया तो इस पर गाड़ी चलाकर भी दिखाई गई थी, ताकि लोगों को ग्लास की सेफ्टी का पता चल सके। मोजेस ब्रिज, नीदरलैंड। मोजेस ब्रिज नीदरलैंड के हेल्स्टर्न में है। इसे 17वीं शताब्दी में डच वाटर लाइन के हिस्से के रूप में बनाया गया था। इसका डिजाइन आरू और एडी आर्किटेक्टियर ने तैयार किया। इस ब्रिज का डिजाइन होली बाइबल किताब की एक कहानी मोजेस पर आधारित है, जिसमें मोजेस नील नदी को दो हिस्सों में बांट देते हैं। ऐसा वे अपनी यहूदियों की सेना को बचाने के लिए करते हैं। यहाँ आपको पानी के दो हिस्सों के बीच से गुजरने का मौका मिलता है, क्योंकि ये पुल पानी के दो हिस्सों में बांटकर बनाया गया है। ये ब्रिज सस्टेनेबल एक्सेस टेक्नोलॉजी की लकड़ी से बना है, जो पूरी तरह से वाटरप्रूफ है। यहाँ बाढ़ की कोई परेशानी नहीं होती। ये पुल पानी में कभी नहीं डूबता। बैम्पो ब्रिज, साउथ कोरिया। इल्यूमिनेटिंग ब्रिज देखने में बेहद ही खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि इन्हें रोशन करने के लिए एक खास तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के ब्रिज की खासियत होती है इनमें लगी रंग बिरंगी लाइट्स, जो इनकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती हैं। इसी तरह का एक पुल साउथ कोरिया में स्थित है, जिसका नाम है बैम्पो ब्रिज। इसकी लंबाई 1495 मीटर है, जिसका निर्माण 1980 में शुरू हुआ और 25 जून 1982 में इसे लोगों के लिए खोल दिया गया। लाइटिंग की वजह से इस ब्रिज को रेनबो के नाम से भी जानते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार ये दुनिया का सबसे लंबा फाउंटेन ब्रिज है। इस पुल में पानी फेंकने के लिए स्पैरो नोजल्स को इस तरह लगाया गया है कि इससे पानी अलग अलग तरह से डिजाइन में म्यूजिक और लाइट इफेक्ट के साथ गिरता है। इसे देखने पर आपका दिल खुश हो जाएगा। इस ब्रिज में कई वाटर पंप लगे हैं और हर पंप एक मिनट में 200 टन पानी फेंकता है। हाई ट्रेसल ट्रेल ब्रिज। हाई ट्रेसल ट्रेल ब्रिज भी एक इल्यूमिनेटिंग ब्रिज है, जो यूनाइटेड स्टेट्स के सेंट्रल लोबा में स्थित है। इसकी लंबाई 40 किलोमीटर है। इस पर पैदल, साइकिल, रनिंग और स्केटिंग वाले लोग आराम से आ जा सकते हैं। इसे इंजीनियरिंग फर्म स्नाइडर एंड एसोसिएट्स ने डिजाइन किया है। इस ब्रिज में एलईडी लाइट्स को रोटेट स्क्वायर फॉर्म में कुछ दूरी पर इस तरह लगाया गया है कि जब रात के समय कोई इस अनोखे ब्रिज पर चलता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे ये लाइट्स भी उसके साथ चल रही हो। ऐसा लगेगा कि आगे बढ़ने के साथ लाइट्स भी घूम रही हैं। आप भी इसका अनुभव लेने के लिए एक बार जरूर जाएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।